मैं गया शहर हूँ, रहम कर दे ए जनता या ए नेता। हम मौजूद हैं गया शहर में और ये हाल जानने के लिए कि चुनाव जो कि गया सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे हैं वो इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या लोग सोचते हैं यहाँ के बारे में और किस प्रकार वोट करने की सोच रहे हैं, इस सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं विश्व प्रसिद्ध प्राचीन विष्णुपद मंदिर है। गया की पहचान हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध धर्म तक की आस्था के कारण पूरी दुनिया में फैली हुई है। 17वीं लोकसभा के लिए यहां पहले चरण में यानी 11 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहां की जनता इस चुनाव में अपने उम्मीदवारों से क्या उम्मीद रखती है। गया में क्या मुद्दा देख रही है इस बार के चुनाव में? गया मेरे अकॉर्डिंग, गया में जब भी बारिश होती है गया में पानी जमा होता है, इलेक्शन हमेशा होता है बट कोई भी जीते डेवलपमेंट नहीं है गया में। एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है इसलिए गया के स्टूडेंट्स को बाहर जाना होता है। तो सरकार को एजुकेशन के लिए, गंदगी के लिए, अगर आप देखें गया में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ आप रोडों पे डस्ट भी नहीं देखेंगे और हर जगह गंदगी है, हर जगह रोडों पे पानी है। एग्जामिनेशन सेशन लेट चल रहा है तो पहले तो मैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो पहले एग्जामिनेशन ये सब को ही लेके बोलूँगी कि वो सब सुधारना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। और दूसरे फैक्टर देखते हैं तो रोड वगैरह का भी हालत बहुत ख़राब है, पूरे रुंड हो चुके हैं कार वगैरह व्हीकल्स चलने की वजह से और पॉल्यूशन भी बहुत है, इस चीज़ को सुधारना चाहिए। ये मुद्दा सबसे बड़ा विकास है जो अभी फिलहाल में बस एक ही मुद्दा है, बस मोदी, और कोई भारत में दूसरा मुद्दा नहीं है। मोदी को लाना है और देश को सशक्त बनाना है। हमारा देश तभी विकासशील होगा जब हम एक व्यक्ति को चुनेंगे, अनेकों व्यक्ति के जिसके पास में ना कोई मुद्दा है ना कोई जैसे कि ऐसा चेहरा सामने अभी तक आ रहा है जिसकी हम आगे बढ़ाने के लिए अपने मन से कुछ सोच सके। तो मोदी को देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। जनता से रहम इसलिए मांग रहे हैं कि यहाँ जो भी अभी तक जो भी सांसद हैं वो कुछ विकास का काम नहीं किए हैं, तो मतलब कि नदी का भी है जो कभी बात चलती है कि गंदगी चारों तरफ फैला हुआ है, तो ये सब जो है मेन मुद्दा है। अगर इसलिए जनता से ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए बोला जा रहा है। विष्णुपद मंदिर जहां भगवान विष्णु के चरण पड़े थे और जिसके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, यूं तो गया मोक्ष की नगरी भी है लेकिन हम आए हैं यहां पर गया सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से बातचीत करने, उनका हालचाल जानने। यह पितरों की भूमि है, अनेक पुराणों में इस जगह का उल्लेख आया है। कहते हैं वासम पूषा कुरुक्षेत्रे गोगृहे मरणं तथा आत्मज्ञानम ज्ञा श्राद्धम तेषां मुक्ति चतुर्विधा। भगवान ने हमारे मुक्ति के चार मार्ग बताए हैं। कोई कुरुक्षेत्र में वास करता हो, मतलब कोई वीर गति को प्राप्त होता हो तब उसकी मुक्ति है, या गौशाला में प्राण जाता हो तब, जब हमारे घर में कोई मरता है पहले गाय का गोबर जमीन में लगाते हैं फिर उसकी बॉडी को जमीन में रखते हैं, तो गौशाला में प्राण जाए या आत्मज्ञान की उपलब्धि होती हो, और ये तीनों कार्य अगर किसी के साथ न हो तो जो इस महान भगवान के चरणारविंद के दर्शन करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के लिए लोग? जी हाँ जी हाँ। चुनाव में कौन किसको मोक्ष मिल रहा है यहाँ से? अब देखिए ये सीट तो जदयू के पाले में है, अभी तो जदयू ही निकलेगा क्योंकि गया तो जब से सिर्फ भाजपा यहाँ दो सीटों पर थी पूरे भारत में, लखनऊ से हमारे आदरणीय वाजपेयी जी और यहाँ से हमारे आदरणीय स्वर्गीय ईश्वर चौधरी जी, तब से हम उन लोगों के साथ हैं, जनसंघ के टाइम से आगे भी रहेगा। ये पंडित जी विष्णुपद मंदिर का महात्म्य बताते बताते बीजेपी का महात्म्य बताने लगे, लेकिन गलत बोलकर धर्म कर्म का ठेका लिए इस महाशय को पता ही नहीं कि जब बीजेपी सिर्फ दो सीट जीती थी तो उन विजेताओं में वाजपेयी नहीं थे,
और तब बीजेपी ने बिहार में एक भी सीट नहीं जीती थी। अब दूसरे ज्ञानी से ज्ञान ले लीजिए। यहाँ भगवान विष्णु गयासुर राक्षस के सीने पर अपना दाहिना चरण रख के गयासुर को दबा के रखे हैं और यहाँ भगवान विष्णु का दाहिना पद चिन्ह है और इस चरण का स्पर्श करने से ही आदमी जो पिंडदान करते हैं उसकी मोक्ष होती है और जो चरण स्पर्श करते हैं उनके जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट होता है। ये भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है। गया धार्मिक आस्था का शहर है। ये आस्था इस फल्गु नदी में रेत के नीचे से भी बहती है। हम मौजूद हैं फल्गु नदी में और ये नदी ऐसी है कि जो अंतः सलील नदी है यानी कि गुप्त गंगा जिसे कहते हैं। यहाँ पानी ऊपर दिखाई नहीं देता, ऊपर बालू ही बालू है, आप देख सकते हैं। ये कहीं नदी में आपको पानी नहीं दिखाई देगा लेकिन जमीन के अंदर गुप्त गंगा बहती है यहाँ। और कहा जाता है कि ये जो फल्गु नदी को श्राप मिला है वो माता सीता ने ये श्राप दिया था और यही वजह है कि आज फल्गु नदी में जो है पानी नहीं दिखता है। सीता मैया ने इस नदी को साक्षी रखकर प्रणदान किया था। प्रभु श्री राम और सीता मैया राजा दशरथ का प्रणदान करने गया जी आए थे। राजा दशरथ का प्रणदान करने आए थे उस समय मैया सीता ने इस नदी को साक्षी रूप में रखा था। उस समय मैया ने पांच चीजों को साक्षी रखा था, तो पहला तर यही था जिसको बोला जाता है फल्गु नदी गुप्त गंगा अंतः सलील, यही है। इसकी धारा जो है नीचे की ओर चलती है। इस नदी को मैया सीता ने श्राप दिया था, इसने झूठ बोला था मैया सीता से कि प्रभु श्री राम ने प्रणदान किया नहीं है, इसी कारण मैया सीता ने इस नदी को श्राप दिया है। गया अगर हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है तो बौद्ध गया बौद्ध धर्म का। गया सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में यूं तो 6 विधानसभा है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोध गया विधानसभा क्षेत्र और हमारे पीछे महाबोधि मंदिर जो कि विश्व धरोहर भी है। ये वही जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मेरे पीछे मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं महाबोधि वृक्ष भी है। उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने तपस्या की और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति की। इस तरह से गया जो है मोक्ष की धरती के साथ साथ ज्ञान की भी धरती है। बौद्ध गया के लोग क्या सोचते हैं और इस बार चुनाव में उनका रुख क्या रहने वाला है ये उनसे ही जान लेते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि महाबोधि मंदिर है और महाबोधि मंदिर में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो आतंकवादी सीरीज ब्लास्ट हो या फिर विस्फोटक पकड़ा जाना, इस सब को देखकर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है यहाँ पर। हमारे साथ बोध गया के कुछ नागरिक मौजूद हैं जो हमसे बात करेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ के क्या मुद्दे होंगे। चुनाव में अभी जो जनता से जुड़े मुद्दे होने चाहिए अभी वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इससे आम जनता में निराशा है। जो जनता का मूलभूत समस्या है रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, ये सारे मुद्दे गौण हैं और केवल राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इससे लोगों में असंतोष है। पिछला मरतबा पिछले चुनाव 2014 में चुनाव हुआ था, तरह तरह की वादा किया गया था सरकार के द्वारा और अब बेरोजगार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। डीजल पेट्रोल में दाल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। स्मृति ईरानी जी कहा करती थी कि सरकार के लिए मेरा दिल करता है कि हम चूड़ी भेज दिए प्रधानमंत्री के लिए, आज वो भी वक्त आ गया है। आज क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? जब LPG गैस का बात आया था तो वो सवाल खड़ा किया करते थे, रोड पे उतर जाते थे। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ गए? आज नजर ही नहीं आ रहे हैं। माझी जी यहाँ से तीसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं पार्लियामेंट का। यहाँ लगभग जितने विधानसभा स्तर में मांझी जी घूर चुके हैं, मांझी जी को सब लोग भली भांति जानते हैं। जहाँ तक विजय मांझी की सवाल है तो विजय मांझी नया चेहरा, विधायक चेहरा है, इसलिए यहाँ की जनता विजय मांझी के पक्ष में पूर्णतः 90% 70% जनता है। इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बौद्ध गया की कहानी अभी आगे भी है लेकिन पहले इस पूरे इलाके का सियासी मिजाज भांप लेते हैं। कहते हैं कि जीतने से किस्मत बदलती है लेकिन गया में हारने पर भी किस्मत बदलती है। 2014 में जीतन राम मांझी यहाँ से JDU के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए। लेकिन हारने के बाद क्या हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी उन्हें सौंप दी और वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इस बार भी जीतन राम मांझी के समर्थकों को उम्मीद है कि शायद उनकी किस्मत बदले।
दरअसल महागठबंधन के उम्मीदवार और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यहां से 2014 का लोकसभा चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़े थे और 1,31,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे गया लोकसभा सीट के मतदाता अपने जनप्रतिनिधि को बदलते रहे हैं। 1952 से 1967 तक यहां से कांग्रेस लगातार जीतती रही। 1971 में जनसंघ जीता तो 1977 में जनता पार्टी, 1980 और 1984 में कांग्रेस जीती थी, 1989 से 1996 तक जनता दल, 1998 और 99 में बीजेपी जीती तो 2004 में आरजेडी, जबकि 2009 और 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की। अब हम आपको फिर से बौद्ध गया ले चलते हैं, जहां व्यापारियों को नई सरकार और नए नेता से काफी उम्मीद है। अक्टूबर से मार्च तक के महीने में बोध गया में विदेशी श्रद्धालु खचाखच भरे रहते हैं। गर्मी भी बढ़ रही है और साथ साथ देश में चुनाव की भी गर्मी है, इसलिए विदेशी श्रद्धालु तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो ये बेचते हैं, जैसे ये ब्रास का आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध और तमाम जो मॉन्यूमेंट बनाए गए हैं, मोमेंटम ये कह सकते हैं, जो लोग लेके जाते हैं सोवेनियर अपने यहाँ से एक यादगार के तौर पर लेके जाते हैं, तो वो है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे, उनकी क्या इस चुनाव से क्या अपेक्षा है, क्या सोचते हैं वो इस चुनाव को लेकर, कुछ समस्याओं का, आपके समस्याओं का कुछ समस्याओं यहाँ बहुत है। गर्मी, कोई भी वीआईपी आएंगे दुकान हटाओ, दुकान बंद करो, हर एक साल का यह समस्या। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, गवर्नर साहब आ रहे हैं, कोई विदेशी पर्यटक भी आए ना वीआईपी में दुकान हम लोग हटाना पड़ता है। ये समस्या बहुत बड़ा समस्या है। गया बिहार की परंपराओं का भी शहर है और इस परंपरा में वो खान पान भी शामिल है जो आम आदमी की जिंदगी का परिचय देता है। सत्तू का शरबत गर्मी में सबसे स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन, एक तरह से ये कोल्ड ड्रिंक है यहाँ का। इसके पीने से ठंडक महसूस होती है, पेट ठीक रहता है और बहुत सारे फायदे हैं। सत्तू है इसमें, चने का सत्तू, प्याज है और नमक है, नींबू डाला हुआ है, ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। ख़ासतौर पर लू से काफ़ी बचाव होता है इससे, और पूरे बिहार में सत्तू की लस्सी आपको देखने को मिलेगी। आज़ादी के समय से ही औरंगाबाद का राजपूताना इतिहास रहा है। यहाँ हारने वाले उम्मीदवार भी राजपूत जाति से आते थे और जीतने वाले उम्मीदवार भी राजपूत जाति से, इसलिए इसे बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। बीजेपी ने अपने सांसद पर फिर से भरोसा जताया है और सुशील कुमार सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की इस परंपरागत सीट को महागठबंधन के सीट बंटवारे में हम पार्टी को दे दिया गया है, जिसने उपेंद्र प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। औरंगाबाद बिहार की एक ऐसी सीट है जहां आजादी से लेकर अब तक एक जाति विशेष का दबदबा रहा है और उसी जाति का उम्मीदवार जीतता रहा है, लेकिन महागठबंधन ने इस बार अपना उम्मीदवार बदल कर आजमाया है। प्रत्याशी है उपेंद्र प्रसाद, गरीबों का मसीहा है और एक काफी मंझे हुए नेता है। पहले आरजेडी में आईटी चल गए, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, छात्र का नेता भी रह चुके हैं और हम लोग पूरी जोर शोर से लगे हैं चुनावी महासंग्राम में और हमारे नेता पूर्ण रूप से तकरीबन 2,00,000 मतों से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। ये हम नहीं, ये गांव गांव घूमकर चलेगा, जनता बता रही है। हम और ये लालू जी की जो पार्टी है, इनका विकास थोड़ा सा पहले की अपेक्षा बहुत ही मतलब बदतर स्थिति में चला गया। पहले तो क्या किए नहीं किए, लेकिन इस बार जो युवाओं का जो विचारधारा है उसको अलग मोड़ दे रहा है। अभी जो देश का मूल समस्या था आतंकवाद, अभी आतंकवाद पर जिस तरह से मोदी जी ने करारा प्रहार किया है, इससे युवा बहुत प्रभावित हैं और युवाओं का मत लगता है कि अभी कांग्रेस को टिकट मिला या न मिला इससे मतलब नहीं है। गठबंधन धर्म के तहत हम लोग यहाँ पूरी मजबूती के साथ हम के उम्मीदवार के साथ खड़े हैं, पूरा महागठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ा है। यह चुनाव दल के लिए नहीं, यह चुनाव विचारधारा को मजबूत करने के लिए हो रहा है। बस चंद दिनों की दूरी पर औरंगाबाद से लोकसभा उम्मीदवारों की किस्मत खड़ी है। अब देखिए कि जनता किसको दिल्ली भेजती है और किसको घर बैठाती है।
लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।